हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। आज की वीडियो में बात करने वाले हम सीआरपीएफ एससीएम हेड कांस्टेबल के बारे में। जैसा कि आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हो, सभी ने लगभग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और चेक कर लिया होगा कि हमारी एग्जाम सिटी कौन सी और एग्जाम किस डेट को है। अभी सबके मन में ये डाउट होगा कि हमको एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेके जाना है, तो वो मैं आपको थोड़ा डिटेल से थोड़ा समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखे जिससे आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर इसमें आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आपको एग्जाम से निकाला जा सकता है। तो दो पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है। नंबर वन पॉइंट, ये बात आपको ध्यान में रखना, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड के ऑप्शन यानी कि नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है ये बात को। आपको बिल्कुल आप एक बार आप एडमिट कार्ड को पूरा पढ़े जिससे आपको जानकारी आपको जाएगी और जो आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेकेंड पॉइंट है ओरिजिनल आईडी कार्ड, यानी कि आधार कार्ड हो सकता है आपके पास, आधार कार्ड और आपके पास यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है आपके पास और पैन कार्ड आपके पास हो सकता है और आपके पास अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट आप लेके जा सकते हैं और आपके पास मतदान पत्र या आपके पहचान पत्र है वो भी आप लेके जा सकते हैं या फिर आप 10th की मार्कशीट भी लेके जा सकते हैं। ऐसा आपके पास आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है जिसमें आपकी डेट, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और पिता का नाम और आपका माता का नाम एकदम सेम है, तो वो आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है जिससे आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो सके। तो आप आधार कार्ड लेके जाए, आपने जो फॉर्म भरा है जिसमें आपके जो नाम, डेट ऑफ बर्थ, नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिता का नाम, ये लगभग आपके तीनों नाम के लगभग सेम होने चाहिए। अगर थोड़ी सी अगर मिस्टेक होगी तो आपको एग्जाम से निकाला जा सकता है। आगे तीसरा पॉइंट, ई एडमिट कार्ड को लेके जाना है दो कलर कॉपी। ये भी आपको एडमिट कार्ड के यहाँ आप जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको नीचे आपको दिखाई देगा। इसमें आपको चार मुख्य महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए जिसमें आपको पहला, दूसरा और तीसरा, एक चौथा पॉइंट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको ई एडमिट कार्ड टू कलर कॉपी ये आपको लेके जाना है। हो सके जहां तक आपको लगभग कलर कॉपी लेके जाना है जिसमें आपका चेहरा सब दिखाई दे। और आगे आपका ब्लू पेन, इसमें ब्लू पेन का भी जिक्र किया गया है, तो ब्लू पेन भी आप लेके जाए जिससे आपको आगे कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े और आपको रफ कार्यालय क्लर्क पेज रफ वर्कर यानी कि आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रफ कार्य के लिए वो पेपर भी आपको लेके जाना है, क्योंकि साफ आपको एडमिट कार्ड में मेंशन किया हुआ है। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। आप लेके जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपसे देंगे, अगर वहां पे आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया गया तो फिर आप बाद में कापी लेने जाएंगे। तो इन बातों को जरूर अवश्य याद रखें। ब्लू पेन लेके जाना है और एक रफ पेज आपके लिए आपको बड़ा साइज का इस साइज का आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। और आपके टू पासपोर्ट फोटो आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पहचान पत्र या 10th की मार्कशीट, इनमें से कोई भी आप एक ओरिजिनल प्रूफ आपको आपके पास होना चाहिए जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिता का नाम आपके सेम होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिलअप किया उसमें जो आपके नाम है। और ई एडमिट कार्ड आपके पास दो कलर कॉपी लेके जाना है, क्योंकि एक कॉपी जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ पे जमा की जाएगी। तो दो कॉपी कलर कॉपी आप पास में रखें ई मित्र यानी कि एडमिट कार्ड की और ब्लू पेन और रफ कार्य आप पेपर साथ में लेके जाए। आप एक बार एडमिट कार्ड डाउनलोड करें तो एडमिट कार्ड को पूरा अवश्य पढ़ें जिससे आपको सारी जानकारी होगी। ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। आगे की वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।